इंडियन लेडी प्रसाद ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नमकीन मठरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है मैदा। ये मैदा मैंने लिया है 1.25 kg। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और मैं लूँगी कुकिंग ऑयल मोयन के लिए। हमें लगेगा नमक। मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच नमक लिया हुआ है और 1 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन और कलौंजी का। इसे मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी ऑयल मोयन के लिए। ये 1.25 kg मैदा है तो इसके लिए मैं मोयन चाहिए 300 ग्राम। ये मेरा कप 100 ग्राम का है। मैं इससे ही माप करके मैं ऑयल डालूँगी। तो मैं 300 ग्राम ऑयल ले ले रही हूँ। 3 कप ऑयल, 1, 2, 3। मुझे इतना ही ऑयल चाहिए। अब मैं इन सारे को अच्छे से मोयन को मिक्स कर ले रही हूँ। मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैं इसे गूंदूंगी गर्म पानी से, वार्म वाटर से। ये हल्का गुनगुना पानी है। इसे अच्छी तरह से मसल मसल के ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मसल के इसे अच्छी तरह से मोयन को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मोयन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आपका जो है मठरी है वो खस्ता बनेगा। इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये आटा जो है ये लड्डू का शेप ले रहा है। इसे मैं ऐसे दबा रही हूँ तो ये बन जा रहा है। इसका मतलब मोयन सही है और मेरा ये आटा सही से मिक्स हो गया है। अब मैं इस वार्म वाटर से आटा लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सब आटा एक लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक डो लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। सारे को एक साथ बाइंड करके रख लेना है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटा का रेस्ट इसे मैं दूंगी। मैं इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। फिर मैं
मछली बनाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, मेरा आटा सेट हो गया है। अब मैं इसके जो मछली है बेल के तैयार कर लेती हूँ। और इधर मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है हीट होने के लिए, तब तक मैं मछलियों को बेल लेती हूँ। मैं एक ऐसा डो ले लेती हूँ, इतना बड़ा एक पेड़ा ले लेती हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बेल लेती हूँ। बेल लेते हैं। जितना ठीक हमें मछली चाहिए उतना मैं बेल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे कट लगाऊंगी, इसे घुमा घुमा के मैं बेल लेती हूँ। अब मैं इसे एक ग्लास की मदद से इसे कट कर लूंगी। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पेड़े काट के उसे बेल भी सकते हैं। मैं ऐसे कट करके बना रही हूँ ताकि मेरे ये जल्दी बन जाए। अब मैं इन सबको चार एक साथ ले करके मैं इसे एक कांटा चम्मच से इसे मैं गोद लूंगी ताकि ये फूले ना। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से गोद लिया। अब मैं इसे रखते जाऊंगी। अब मैं इसे कुछ को मैं बेल कर रख लेती हूँ, फिर मैं इसे तलूंगी। ऐसे करके मैं सारे को बेल लेती हूँ। ऐसे ही मैं और एक लोई लेती हूँ और उसे भी बेल के मैं पूरियाँ तैयार कर लेती हूँ। मछली की पूरियाँ है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑयल हीट हो गया है। इसे ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो फिर इसमें मछलियों को डाल देना है। मैंने एक डाल के टेस्ट कर लिया है। अब मैं सारे को इसमें डाल दे रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है। हाई फ्लेम में पकाएंगे आप तो आपकी जो मछलियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रहेंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी और बाहर से जल जाएंगी। तो हमें मीडियम फ्लेम में इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है। इसे पकने देते हैं, फिर मैं पलट देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मीडियम आंच पे इसे मैं 5 मिनट से पका रही हूँ। थोड़े से और पकेंगे ये, फिर ये रेडी हो जाएंगे और मैं इसे निकाल लूँगी। पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये मछलियाँ जो हैं गोल्डन हो गए हैं। अब ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के मछलियों को भी इसी प्रकार तल देती हूँ। मैं एक एक करके इसमें डाल देती हूँ सारे को। देखिए फ्रेंड्स,
सारे मछलियों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, सारे को मैंने फ्राई कर लिया है। ऐसे निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे मछलियों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रिस्प बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे आप चाय अचार के साथ कभी भी मॉर्निंग या इवनिंग के चाय में आप इसे लेकर खा सकते हैं। इसे कभी भी आप खा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी टूर पे जा रहे हों तो इसे आप लेकर जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए एक अच्छा एक टिफिन है ये। तो फ्रेंड्स, मेरी ये मटरी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करके इसे एंजॉय करें। अब मैं इसे कूल होने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे स्टोर करके रख दूंगी, और मैं इसे चाय के साथ स्नैक्स के रूप में इसे लूंगी जब मैं आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।